जयनम जय तुष दान का वर्णन चलेगा अपना। दान किसका नाम है, दान कितने प्रकार का होता है, क्या सब बढ़िया बात है। देखो आप सीधे पेज नंबर 178 निकाला आपने। अब चार प्रकार के दान कहने वाला श्लोक कहते हैं, कितने प्रकार का, चार प्रकार। आहार औषध योर उपकरण आवास योषदानेन वैयावृत्तं ब्रूते चतुरात्मत्वेन चतुरष्टा। आहार औषध योग, आहार औषधि उपकरण, उपकरण दान और आवास योग, आवास ये दाने न, इन दानों के द्वारा प्रियावृत्तम रूते, प्रियावृत्त कहा जाता है। चार चतु चार प्रकार का चतु आत्मत्वेन, चार प्रकार का चतुरश्रा, चतुरश्रा माने ज्ञानी जन, प्रवीण ज्ञानी जन है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो तो चार प्रकार का वैयावृत्त कहते हैं। उनको तो चार प्रकार का आहार औषध उपकरण और आवास, ये चार प्रकार का दान कहते हैं। देखो पढ़ता हूँ, चतुरस अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये चार प्रकार के दान करके प्रियावृत्त को चार प्रकार का कहते हैं। चार प्रकार की प्रियावृत्ति कही, ये चार प्रकार के दान द्वारा आहार औषध आवास और उपकरण, उपकरण में ज्ञान के उपकरण लिए होंगे। इस प्रकार गृहस्थ के चार प्रकार का दान करना कहा है। अभय दान की प्रधानता तो छह काय के जीवों की कृतकारी अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों के होती है। अभय दान को क्यों छोड़ दिया, अच्छा अभय दान नहीं दिया ना, आवास दान आ गया, अभय दान माइनस हो गया। आवास, आवास किसे कहते हैं, जगह को, निवास, तो जगह वस्ती का होती है ना, मुनिराज के लिए वस्ती का मतलब जैसे पहले के लोग कहीं जंगल के अंदर कोई निवास बनाया और वो निवास बना के छोड़ दिया उसको, बस्ती का हो गया ना। अथवा लोग धर्म ध्यान करे इसलिए कोई कोई ऐसा धर्मशाला बना दिया, लोग धर्म साधन कर सके वहां, तो वो सब आवास में आता है। इसमें और अभी आएगा किसे, मैंने धर्म साधन के लिए स्थान देना, सीधी सी बात है, किसी को भी देना, चाहे गृहस्थ को चाहे मुनिराज को, धर्म साधन कर सके। तो मुनिराज के लिए, मुनिराज के योग की जहाँ भी वो रहेंगे गांव जंगल में, जहाँ भी उनके योग स्थान की व्यवस्था हो जाए, और गृहस्थ है तो उसके लिए योग स्थान की आवश्यकता, योग स्थान का दान देना, स्थान मान जगह का दान देना, आवास का दान देना, ये चार प्रकार के दान करके भैया को चार प्रकार का कहते हैं। इस प्रकार गृहस्थ के चार प्रकार का दान करना कहा है। अभय दान की प्रधानता तो छह काय के जीवों की कृत कारित अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों की होती है, उनके अभय दान होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्राणी मात्र को अभय दान दिया, एक भी जीव की हिंसा उनके द्वारा नहीं होती, किसी प्रकार से हिंसा वो काम नहीं, चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, बोल रहे हैं हितमित प्रिय वचन बोल रहे हैं, भोजन ले रहे हैं तो अपने निमित्त से जो बनाया हुआ भोजन है उसको टाल के ले रहे हैं, मलमूत्र का छेपन कर रहे हैं देख के कर रहे हैं, उठा रहे हैं देख के उठा रहे हैं, कोई चीज रख रहे हैं देख के रख रहे हैं, तो उनके निमित्त से किसी काय के जीवों की विराधना होना संभव नहीं है। छह काय के जीवों का उन्होंने, छह काय के जीवों की विराधना का क्या किया है, त्याग किया, और नौ कोटि से मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से, इसलिए अभय दान की प्रधानता तो मुनिराजों के होती है।
श्रावकों के भी अभेदान कैसा है, तो श्रावकों के भी त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से अभेदान ही है। मैंने श्रावकों का जो अभेदान है वो संकल्पी हिंसा पूर्वक ध्यान, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता। संकल्प पूर्वक मतलब संकल्प पूर्वक एक चींटी को भी नहीं मारेगा, मैं इसको मारता हूँ, मच्छर को मारता हूँ, नहीं मार सकता। संकल्प हिंसा होता है, अपने आरंभ उद्योग में जो हिंसा होती है व्यापार व्यवसाय में या घर में भोजन आदि बनाने में, तो वो हिंसा संकल्प हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि उसमें अपने को मारने का संकल्प नहीं है। भोजन बनाने का काम और व्यापार व्यवसाय का काम, और तो इसलिए मारने का संकल्प नहीं होने से वो संकल्प हिंसा नहीं कहलाती। और एक चींटी को बिना प्रयोजन मारना, तो वो तो मारने का ही संकल्प है ना, इसलिए वो संकल्प हिंसा। मारने के संकल्प से तो संकल्प ही है, मारने के संकल्प मारेंगे नहीं, ऐसे भी मारेंगे तो भी संकल्प पूर्वक तो नहीं मारा जा सकता उनको, कि मैं उनको मारने की अपनी रक्षा की जा सकती चीजों। जैसे समझ लो मच्छर है, उदाहरण के लिए मच्छर काटते हैं अपन लोग, मलेरिया हो जाएगा मच्छर से अपन का मच्छर, तो कोई ऐसा उससे बहुत बड़ा उनको मारा तो नहीं जा सकता, उनसे अपन अपनी चीज बचाव कर सकते हैं। तो बचाव तो अपन कोई भी चीज है, जैसे अपन ने चींटी है तो उसके लिए घास पेट रख दिया, घास पेट का पोता लगा दिया, चींटी आएगी अब वो भी है, लोग से चींटी मर जाती है, लोग से मर जाए, हाँ कोई भी मतलब ये उपाय है ना। हाँ तो मारना तो नहीं जा सकता ना, तो फिर क्या करेंगे वो अपने यहाँ पे नहीं आए, अपने रसोई में जब तक भोजन बनाए तब तक नहीं आए, वो व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज का उपयोग नहीं किया जा सकता कि ढूंढते जाओ, वो हिंसा का दोष है। अब मच्छर है जैसे उसके लिए ऑल आउट लगा दिया, ऑल आउट लगा दिया तो ऑल आउट हो जाएंगे वो तो, लेकिन वो ऑल आउट में उनके लकवा वगैरह भी मतलब वो सब उसी गंध से वो बेचारे गिर पड़ते हैं, लकवा मारता हूँ हिंसा ही है वो एक तरह से, वो हिंसा ही, क्योंकि अपन ने अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे की हिंसा ही की ना, ये इसका नाश ही हो है। उसमें उद्देश्य ये तो ही नहीं है, उसमें तो उद्देश्य सीधे सीधे उसको हटाने का ही है, वहां से हटाने का ही उद्देश्य तो हिंसा ही होता है। अपन कर रहे हैं कोई काम, करते करते कोई चीज की हिंसा हो जाए एक अलग चीज है, कि अपने पानी छाना फिर भी कोई हिंसा हो जाती है, सूक्ष्म जीव की हिंसा हो जाती है, भोजन बिल्कुल इतना चार से बनाया फिर भी हिंसा हो जाती है, देख के अग्नि जलाने फिर भी हो जाती है, वो अलग चीज है। अग्नि जला रहे खाना बनाने के लिए हिंसा तो हुई ना, अग्नि का जीव बच नहीं सकते, वनस्पति खा रहे हैं वनस्पति का जीव की हिंसा से बच नहीं सकते, जल ढोल रहे हैं पानी यूज कर रहे हैं हिंसा से बच नहीं सकते। तो वो हिंसा तो समझ में आती है कि उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन इससे तो बच सकते हैं ना, इसलिए ये हिंसा तो योग्य नहीं है। तो इसलिए अभयदान की मुख्यता तो इसलिए तो कई मुनिराजों की होती है, मुनिराज तो सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा के, मन से वचन से काय से नौ कोटि से वो क्या होते हैं त्यागी होते हैं, मन वचन काय वक्रतकारी अनुमोदना, मतलब अनुमोदना भी नहीं कर सकते हिंसा हो रही है, क्योंकि छह काय के जीवों को अभयदान दिया है। तो अपने कोई भी कार्य के निमित्त से किसी जीव की हिंसा वो नहीं करवा सकते, ये स्थावर की भी नहीं कर सकते, त्रस्त बहुत दूर की बात है, एक इंद्री या दो इंद्री तीन इंद्री जीव कुछ अहिंसा महाव्रत का भंग होता है, तो इसलिए उनके अभयदान पूरी तरह से अभयदान दे दिया उन्होंने सब जीवों को, किसी को कोई भय नहीं है उनसे, क्यों, क्योंकि उनको अपने मतलब वो किसी भी निमित्त से वो जीवों की हिंसा में अनुमोदक भी नहीं बनेंगे, स्वयं तो करेंगे ही नहीं, किसी से करवाएंगे भी नहीं, कोई करता हुआ तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, न मन से करेंगे ऐसा, न ऐसा वचन से करेंगे, न ऐसा काया से करेंगे, मन वचन काया से
स्वयं करना, कराना, कर्तव्य की अनुमोदना, उन सबका त्याग। इसलिए वो अपने निमित्त से अथवा धर्म के निमित्त से भी, किसी भी निमित्त से वो हिंसा के अनुमोदक नहीं होते। तो अभयदान हुआ, सब जीवों को अभयदान, इसलिए कोई काम उनका रहा ही नहीं। उनके उनका जो जीवन है वो अपने आप ऐसा है कि उनके निमित्त से जीव हिंसा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका जीवन कैसा है, ज्ञान ध्यान और तप में, उसमें हिंसा का क्या काम है? जिसको कमाना हो वो हिंसा करे, विषय भोग भोगना हो वो हिंसा करे, जिनको पंचेंद्रिय के विषय भोग की कोई रुचि नहीं है, आरंभ कमाना, धन कमाने की नहीं, धन कमाने नहीं आरंभ करने की नहीं, तो इसलिए उनके हिंसा का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए उनके लिए तो पूरी तरह से त्याग है, आरंभ हिंसा, आरंभ जैसे आरंभ समस्त प्रकार का आरंभ का त्याग, मंदिर मंदिर के निमित्त से भी वो हिंसा कह नहीं सकते वो कि यहाँ ये बननी चाहिए, यहाँ ये चीज बननी चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए। निर्माण होने की यदि अनुमोदना भी है तो उस निर्माण कार्य में होने वाली हिंसा का दोष लगेगा, समझ में आए ना। गृहस्थ के लिए तो वो पुण्यबंध का कारण है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो अपने मकान बनाएगा और वहाँ हिंसा करेगा, तो कम से कम वो हिंसा बदल गई। लेकिन वही काम मुनिराज के लिए अयोग्य है। क्यों अयोग्य है? क्योंकि उन्होंने सारी प्रकार की हिंसा छोड़ दी। तो वो तो जब अपना सभी चीज़ों की हिंसा छोड़ दी तो वो कोई भी प्रकार की हिंसा उनसे मतलब उनसे संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा अणुव्रत नहीं है। देखो अणुव्रत में महाव्रत में अंतर है, जो चीज अणुव्रति के लिए संभव है वो ऊपर की भूमिका में चीज संभव है। जैसे हमारे लिए पूजा जरूरी है, मुनिराज के लिए जरूरी नहीं, ऐसे मंदिर वगैरह हमारे लिए जरूरी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह मंदिर का, मंदिर ऐसा हमारे लिए जरूरी, उनके लिए आवश्यकता ही, वो मंदिर के दर्शन नहीं भी करें उनको चलेगा काम। तो इसलिए वो ये नहीं कह सकते कभी ये इसको बनाओ, इसका निर्माण करो, ये पुराना हो गया तो जीर्णोद्धार करो, या ये कोई निवास स्थान बनाओ, ये सब उनके काम है ही नहीं। क्योंकि इसमें दिक्कत ही होती है, यदि ये होंगे तो अभयदान जो छह काय के जीवों को, वो छह काय के जीवों को अभयदान देना नहीं बन सकेगा, ये कहेगा। अभयदान की मुख्य प्रधानता तो छह काय के जीवों की कृतकारी अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों के होती है, और श्रावकों के भी होती है। अभयदान किस तरह से होती है? त्रस जीवों की, उन्होंने छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग किया, हम किसकी? त्रस काय की। तो हमने कितने काय की हिंसा का त्याग किया? पांच, एक का ही, पांच का कहां से हो गया? पांच की त्यागी अपन नहीं है, पांच काय माने स्थावर काय, स्थावर काय की हिंसा का त्याग नहीं हुआ है, त्रस काय की हिंसा का त्याग ही। और त्रस काय की हिंसा में भी संकल्प हिंसा, त्रस जीवों की संकल्प हिंसा के त्याग से उसके अभयदान। हमारा अभयदान त्रस जीवों की हिंसा तक सीमित है, उनका अभयदान त्रस और स्थावर दोनों जीवों के तक सीमित है। हम त्रस जीव की हिंसा नहीं करेंगे, वो त्रस की करेंगे निस्थावर, जल ढोलना आदि कुछ नहीं। तो अभयदान की श्रावकों के भी त्रस जीवों की संकल्प हिंसा के त्याग से अभयदान ही है, संकल्प हिंसा है तो उसके भी अभयदान है। मैंने संकल्प पूर्वक तो किसी को नहीं मानना चाहता, एक प्रकार से उसकी भावना तो उसकी भी ऐसी है कि सारे जीवों को अभय रहे, मेरे से किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न न हो। परंतु अभयदान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परामुक्ता से होती है। कैसे होती है? दो चीजें कही उन्होंने, क्या कि अभयदान की मुख्यता आरंभ के त्याग से, समस्त प्रकार का आरंभ का त्याग हो और विषयों की परामुक्ता, पंचेंद्रिय के विषयों की परामुक्ता, क्योंकि विषय भोगने का भाव होगा, विषय का राग रहेगा तो वो हिंसा में हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी, तो विषयों से राग टूटेगा और आरंभ का त्याग होगा। ये दो चीजें तक होगी तो अभयदान हो जाएगा, ये लिखा रहेगा। परंतु अभयदान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से, आरंभ माने कोई भी कार्य करना, वो आरंभ है, कोई भी कार्य एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार का कार्य आरंभ, और आरंभ के त्याग से हिंसा त्याग होगी और विषयों की परामुक्ता, विषय भोगने होंगे तो उसमें हिंसा होती, विषय का राग है
तो विषय के राग के लिए हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं। जैसे अपने खाने का राग है तो हिंसा होगी खाने की चीज के निमित्त से, देखने का राग उसमें हिंसा हो सकती है ना। तो देखने का तो बात जाएंगे देखने तो जाएंगे तो जाने आने में हिंसा होगी ना। तो विषयों की अत्यंत परामुखता से अभिधान की मुख्यता होती है। जब तक ग्रह कार्यों से संपदा से न्याय विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते तब तक आहार आदि चार प्रकार के दान करके पापों का नाश करो। मैंने तुम्हारी जब तक ऐसी सामर्थ्य नहीं हो कैसी तुम ग्रह कार्यों से पूरी तरह से विरक्त नहीं हो, संपदा से विरक्त नहीं है, न्याय रूप विषयों से परिणाम विरक्त नहीं हुए, अन्याय से तो विरक्त है लेकिन न्याय रूप विषयों से विरक्त नहीं है तो क्या करे। तब तक चार प्रकार के आहार आदि दान देवे जो हम कहे हैं चार प्रकार के दान, और उसको देकर क्या करे पापों का नाश करे। पापों का नाश करो फिर ये बाद में विचार देखो। संपत्ति की अस्थिरता, संपत्ति आयु काय अत्यंत अस्थिर है, धन अत्यंत अस्थिर है। आपका लक्ष्मी धन वेश्या की तरह कही है, किसी की होके नहीं रहती। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल याका कौन पत्याला। लक्ष्मी जो है वेश्या के समान चंचल है, वो किसी की नहीं होके रहती। और दूसरी बात कह रहे थे ना, हाथ का मेल है तो आता है और निकल जाता है, फिर नया आ जाता है फिर निकल जाता है। मैंने स्थिर किसी की आज तक नहीं हुई है कोई ये सोच ले कि मेरे पास एक बार आ गई है तो मेरे पास से कहीं जाने वाली नहीं। तो धन भी अस्थिर है, संपत्ति आयु अस्थिर है, जिंदगी का भरोसा नहीं, शरीर अस्थिर है, कब रोग आ जाए कोई ठिकाना नहीं, ये सब अत्यंत अस्थिर है। आग के मतलब बारूद के बुलबुलों पे आदमी बैठा हुआ, बारूद के ढेर पे है और कब कौन सी बारूद सिलप जाए कोई भरोसा नहीं, और बारूद सिलप जाए और पूरा का पूरा बम बोला फूटेगा जिस पर बैठा रहेगा। तो ऐसे ये शरीर आदि सबकी स्थिति ऐसी अत्यंत अस्थिर है। गृहस्थ दशा तो दान से पूज्य है, आहार आदि दान बिना गृहस्थ बना तो आहार आदि दान चार प्रकार के लेना, आहार औषध उपकरण आवास, उनके बिना तो गृहस्थ बना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला है। क्या मतलब पाप ही पाप है उसमें, और क्या है अपने घर गृहस्थी में और क्या करते हैं पाप आरंभ करते हैं रात दिन, और पाप आरंभ के भार से पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव क्या होती है, डूबती है। ऐसे गृहस्थी की नौका क्या है, पाप आरंभ से संसार समुद्र में डूबती है। नहीं आया तो अब उसको जो अपन गल्ले में डालते हैं उसको किस गल्ले में, अभी आएगा वो पैसा, अभी आ जाएगा चिंता मत करो, पैसा भी आ जाएगा, पैसा भी देना है। ज्ञानी गृहस्थ विचार करता है यह धन जो मैंने कमाया है पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो गया है, तथा राज्य ऐश्वर्य देश नगर आवरण वस्त्र स्त्री सेवकों का समूह सब बिना खेदी मुझे प्राप्त हो गया है, वो सब पूर्व जन्म में दान दिया, दुखी जीवों का पालन पोषण किया था, उसके फल हैं ये सब। ये पहले की कमाई कर रहे हैं, पहले की कमाई खा रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं अपन जाने। लेकिन जो कुछ भी अपने को आज मिला है ये सब अपने पूर्व पुण्य का फल है। कई लोग ये सोचते हैं कि जब हमने धन कमाया, धन आया हमारे पास में तो लक्ष्मी आई तो हमारे पुण्य के उदय से आई, आई तो पुण्य के उद्देश्य आई सही, और रह रही है तुम्हारे पास तो भी पुण्य के उद्देश्य रह रही, आने में भी पुण्य खर्च हुआ और रहने में भी पुण्य खर्च हो रहा है। मकान खरीदते तब भी पैसे देने पड़ते हैं और हर साल उसका टैक्स भी भरना पड़ता है। ये बात सही है कि जब खरीदते हैं तब ज्यादा भरना पड़ता है और रखी रहने में कम देना पड़ता है, लेकिन देना दोनों में पड़ता है। ऐसे धन आता भी पुण्य के उदय से और धन टिका भी रहता है पुण्य के उदय से, पुण्य का उदय नहीं हो तो आने के बाद भी चले जाता है। ये सब पुण्य का उदय का खेल है। पूर्व जन्म में हमने कुछ संतोष परिणाम किया था, दान दिया था, विषयों से परामुक्ता हुई थी,
दुखी जीवों का पालन पोषण किया था उसका यह फल है कि आज अपने को कम से कम भोजन की, कपड़ों की, क्या इनकी चिंता अपने को नहीं करनी पड़ रही, अपने शांति से बैठे हुए ये चिंता नहीं ना अपने कल सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेट भरा हुआ आराम से, सब पेट भरे हुए नहीं है, भूखा तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, आराम से निश्चिंता से सुन रहे हैं, ये तो भूखा पेट होता तो यहाँ बैठा ही नहीं रहता, वो अभी भी इस समय भोजन की चिंता में मारा मारा फिरता रहता। तो ये सब अपने को जो मिला है ये कोई महापुण्य के उदय से अपने को मिला है, ठीक है। ये सब पूर्व जन्म में दान दिया, दुखी जीवों का पालन पोषण किया था उसके फल है, पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया अपने कभी, दूसरे के पैसे में, दूसरे का ये अपना मतलब उस पर नजर ही नहीं गई, पराय धन नजर तो पर धन पे नजर नहीं, अपना है वो अपना है, अपना अपना भोग सकते हैं, लेकिन पर का धन हड़प लेना, छीन लेना, अन्याय से उसका ले लेना, क्या उसे ध्यान नहीं हो समझ लो, हड़प लो, तो ये सब अन्याय नीति का धन है। तो ये अपन ने पहले नहीं किया है, देखो है, पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, परम संतोष धारण कर विषयों से विरक्त होकर निर्वांछकता धारण की उसका फल है, बहुत संतोष रखा अपन ने किसी भाव में, बहुत संतोष, परम संतोष जो कुछ मिला उसमें बहुत संतोष रखा, और विषयों से विरक्ति रही, विषय भोगने की आसक्ति नहीं रही, अरे पांच मतलब विषय भोग मुझे नहीं मिलता, बल्कि विषयों से अत्यंत विरक्त प्रणाम, तो निर्वांछकता क्योंकि वांछा नहीं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो उसका फल ये यार अपने कोई चीज अच्छी सी बढ़िया मिली। दीन दुखी रोगी असमर्थ बालक वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया उसका फल है ये संपत्ति का मिलना। किन किन का? दीन का, दुखी, रोगी, असमर्थ, बालक, वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया उसका फल ये संपत्ति का मिलना है। अब देखो सुनो, दो दिन ही संपत्ति का संयोग है, दो दिन का मतलब दो चार दिन जितने भी दिन है, पर लोग साथ में नहीं जाएंगे पक्का, एक सुई भी अपने साथ में नहीं जाए, या तो देखो जमीन में गड़ी रहेगी कहीं, इनकम टैक्स के चक्कर में अपन ने कहीं जमीन में गाड़ दिया, या किसी सोफा सेट में छुपा दिया कहीं कहीं, या दूसरे देश में रख दिया अपन ने अपना धन, यहाँ खतरा है इस देश, दूसरे देश में रख दिया स्विस बैंक में, तो दूसरे देश में रखी ले जाएगी, दूसरे के पास ले जाएगी, किसी को दे दिया खुद मर गए उसके पास रहे, बैंक में रख दिया, घर वालों को भी नहीं होता है, बैंक वालों का होता, तो कहते हैं ये तो ले जाएगी देखो, अथवा स्त्री कुटुंब के जो भागीदार है मालिक बन जाएंगे सब, थोड़े दिनों में क्या होगा, पत्नी हिस्सा मांगने लग जाएगी, बच्चा हिस्सा मांगने लग जाएगा, कोर्ट में केस लगा लेगा, जिंदा पिता के पास आ मेरा हिस्सा दे, इनके पास में मेरे बाप दादा का खूब आया तो उसमें से मेरे को भी हिस्सा मिल जाए, तो सगे पिता पे केस लगा, तो कह रहे इससे पहले तुम्हारे ऊपर केस लगा है, स्त्री कुटुंब के भागीदार जो है, स्त्री पुत्र कुटुंब के भागीदार मालिक बन जाएंगे, और ज्यादा होगा तो राजा लूट लेगा, फिर टैक्स लगा लू लूट के कैसे कर, अथवा तथा मैं अचानक मर गया, अब यदि ये सब चीज हो गई हम तो इकट्ठा करते रहे तो क्या होगा, अचानक मैं मर कर दुर्गति में चला जाऊंगा, अपन तो इकट्ठा करके गए मरण हो गया कबार कदाचित, अपन ने तो उससे जो भी पाप बांधा पाप बांध के अपन तो कहां चले गए, नरक में चले, दुर्गति में, नरक निगोद में चला जाए। मैंने धन सैकड़ों दुर्ध्यान करके खोटे खोटे ध्यान किए, खोटे खोटे काम किए, महापाप के आरंभ करके अनेक देशों में क्षेत्रों में भ्रमण करके बड़े कष्ट और कपट से कमाया था, प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा की, अब कैसे इस धन को छोड़कर मर जाऊं। आदमी जब मरता है तो क्या करेगा, इतने बड़े मुश्किल से करी अब कैसे छोड़ के मर जाऊं, मैं भी ले जाऊं इसको साथ में, जा सकते हैं ले जाने की 1% भी छूट नहीं। एक सूत्र वाक्य आता है कि देखो भोगने की ताकत कितनी है, कितनी भोगने की तुम्हारी, भोगने की ताकत कितनी है और जोड़ने की इच्छा कितनी ज्यादा, तो
भोग तो जरा सा पाप में, बाकी तो क्या करोगे, छोड़ छोड़ के बोलो। और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को यदि कभी हिस्सेदारी भी नहीं की तो उनको कोर्ट केस और देके जाएंगे, चलो लड़ो आपस में। तो ये मैं ऐसे किसे इस धन को छोड़ के मर जाऊं, मैंने इतनी बड़ी कष्ट से छोड़ा, मैं इस धन को छोड़कर मर जाऊं, कैसे मर जाऊं, ऐसा विचार करना उचित नहीं है क्या? मतलब वो मरते समय तक उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मरते समय पे सोचे कि अरे अब कैसे छोड़ के मर जाऊं, मैं तो ले ही जाऊं इसको। तो ऐसा विचार करना उचित है। तो कैसा विचार करना, देखो जगत में देखो, यदि लाखों का धन हो तो भोगने में सभी नहीं आ जाता है, भोगने में तो आधा शेर अन्न आता, समझ लो कोई टाटा बिरला भी हो तो खाएगा क्या, बल्कि उसको तो सबसे ज्यादा उसके ऊपर खाने के प्रतिबंध लग जाते हैं, उनके ऊपर सब चुटते हैं वो खाने जैसे, ठीक है, क्योंकि जरा भी ज्यादा नहीं खा सकते, चिंता इतनी रहती, इतनी बीमारी रहती, इतनी सारी चलती रहती है, खाना बचते ही नहीं क्या। तो इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा चलो किसी का खूब भी हो तो करेगा क्या, आखिर दो कपड़े ही तो पहनने आदमी को, दो कपड़े पहनने, दो सिर अन्न खाना है और कहीं किसी जगह पे रहने, और तो क्या करना है उसको, करना क्या है उसको बताओ, खाएगा तो अन्न ही, वो भी अन्न खाएगा, भी अन्न खाएगा, वो भी कपड़े पहनेगा, ये कपड़े पहनेगा, पहनने तो कपड़े ही है ना क्या। ये कह रहे देखो भोगने में तो सब नहीं आएगा, भोगने में तो आधा से रंग नहीं आएगा, लेकिन तृष्णा ऐसी बढ़ती जाती है कि अब और धन बढ़ा लूं, और अन्य के पास तो 50 लाख धन हो गया और मेरे पास तो 5 लाख ही है, अब और धन कैसे बढ़ाओ, एक का दो भी हो जाए तो आदमी को चेंज नहीं पड़ता, पड़ोसी की तो एक का चार हो गया, मेरे दो ही हुआ, तो फिर वो एक के चार करने जाता है, अभी एक का आधा रह जाता है, आधा रह जाता है तो वो वहां कुत्ता हो जाता है, कौन आरंभ करूं, कौन सा उपाय करूं, कौन राजा जी को पसंद करूं क्या, राजा जी मैंने आजकल के जो भी राजा हैं, किससे मित्रता बढ़ाऊं, किस नेता से अपनी प्रीति बढ़ाऊं, उसको सेट करूं, किससे मेल जोल करूं, कौन व्यापार करूं, कौन सा बिजनेस सही है, किस में धन पैसा लगाऊं, कहां लगाना चाहिए, दिमाग को दौड़ता रहता है कि नहीं, किससे मित्रता करूं जिसकी सलाह से मुझे धन की कमाई हो जाए, किसकी किसकी सलाह ले, किससे मित्रता करूं, जिसकी सलाह करूं और वो सलाह भी दे, ऐसा सबके पास में जा जाकर बैठ के पूछे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस सेवक को अपने काम करने को रख लूं जो मेरा थोड़ा धन खाए और बहुत धन कमा कर दे, नौकर भी ढूंढता रहता कौन नौकर मिल जाए, ऐसा कम पैसे लगे कमाए की ज्यादा दे, ऐसे हजारों दुर्ध्यान करता हुआ, खोटे ध्यान करता हुआ संसारी जीव समस्त राज्य ऐश्वर्य छोड़कर महामूर्छा से, माने आरंभ पर मतलब धन आदि में महामूर्छा, मेरा है मेरा है मेरा है, उसमें निरंतर उपयोग लगा के परिणाम लगा के उसी की मूर्छा करके, माने उसको अपना मान मान के उसमें आसक्त होकर लीन होकर महामूर्छा से अति रुद्र परिणामों से मरकर नरक के घोर दुख भोगता है, बहु आरंभ बहु परिग्रत नरक शायश है, संसार में अनंत दुख रूप परिभ्रमण करता हुआ, चुदा तृषा रोग दारिद्र को भोगता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है, मैंने नरक तो जाते ही डायरेक्ट, नरक से निकल के भी भूख प्यास रोग दरिद्रता को भोगते ही अनंत काल बिताता है। अब इस घोर काल में, घोर कली काल पंचम काल में कुछ मोह निद्रा के उपशम होने से, तो मेरी मोह निद्रा थोड़ी उपशम हुई, कुछ मोह नींद से उड़ गए, जागे थोड़े से, तो होने से जिनेंद्र भगवान के वचन से कोई अत्यंत विरले पुरुष, देखो खुद के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई अत्यंत विरले पुरुष, ये तो 99% तो जो ऊपर लिखा है वही स्थिति होगी, लेकिन फिर भी कोई इस घोर काल में भी कोई पुरुष मोह निद्रा के उपशम होने से, मोह थोड़ा कम होने से और जिनेंद्र भगवान के वचन से कोई अत्यंत विरले पुरुष सचेत होकर अपने हित का विचार करते हुए कि मेरा हित काय में चार प्रकार के दानों में प्रवर्तन करते हैं, उसमें सबसे पहला आहार दान,
दानों में आहार दान प्रधान है। इस जीव का जीवन आहार से, करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान भी आहार दान के समान नहीं। आहार से देह रहती है और देह से रत्नत्रय धर्म बनता है, रत्नत्रय धर्म से निर्वाण होता है और निर्वाण में अनंत सुखी सुख है। इसलिए त्यागी निर्वांचक साधुओं का उपकार तो आहार दान से ही है, वो सबसे बड़ी चीज है और उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं क्या? उनका तो जो कल्याण है उपकार है, आहार दान से आहार दान दिया उनका उपकार हो और कुछ करना ही नहीं, मतलब उनका उपकार करना कितना सस्ता है, क्योंकि एक आहार नाम से उनका उपकार हो जाता है। उसकी उनकी देह टिक रहती है, वो देह से रत्नत्रय धर्म का पालन होता है, रत्नत्रय से निर्वाण होता है, उन निर्वाण से उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए परंपरा से वो आहार दान अनंत सुख का, अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत सुख को देना है उनको। ये तो आहार के सिवाय अन्य कुछ तिल तुष मात्र भी अंगीकार नहीं करते हैं। आहार के सिवाय तिल तुष मात्र, तिल्ली के टुकड़े बराबर भी अन्य कुछ भी अंगीकार नहीं करते। आहार के बिना शरीर नहीं रहता, अनेक रोग हो जाते हैं। आहार तो जरूरी है उनके लिए, मतलब आहार तो अत्यंत शरीर को टिका रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो रोग हो जाएंगे, शरीर स्थिर नहीं रहेगा। आहार बिना ज्ञान अभ्यास नहीं होता, व्रत संयम कभी भी नहीं पलते। इसलिए ये तो मान, मतलब ये तो आहार तो लिया जा सकता है। जैसे ये लोग प्रश्न, कई लोग प्रश्न करते हैं कि याचना तो उनने भी करी ली ना, आहार की मांग तो उनने भी ली थी, तो याचक तो भी हो ही गए। कहते तो नहीं, याचक नहीं हुए, क्योंकि आहार जो है वो याचना में नहीं आता। दूसरी बात, आहार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको देने में किसी को बहुत बड़ा संकट आए। वो अपने लिए गृहस्थ बनाते ही है, अपने बनाए हुए भोजन में से उसको देना, तो वो कोई बहुत कष्ट की बात नहीं है। दूसरी बात, हम मांग नहीं रहे, देने वाला 10 बार पहले अपनी मनोहार कर रहा है, वो इसलिए नवदा भक्ति कर रहा है और नवदा भक्ति करके वो दे रहा है, तो वो भक्ति से दे रहा है, वो उससे कोई जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, ले क्या रहे हम भोजन आहार के, भाई शरीर को चलाने के लिए वो अति आवश्यक है, इसलिए वो ले रहे हैं, और तो कुछ ले नहीं रहे ना। मैंने भाई क्या हमने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दिया और कुछ भी नहीं मांगेंगे, तो बोले आहार तो मांग रहे हैं। तो बोले आहार इसलिए क्योंकि आहार तो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, उसके बिना शरीर टिका नहीं रह सकता। लेकिन अन्य तो और कुछ नहीं ले रहे ना, एक आहार ही लिया इसलिए वो चल सकता, और वो भी उसमें देने वाले की वो है, मैंने देने वाले की गरज है, लेने वाले की गरज नहीं है। इसलिए आहार को तो रखा है, मैंने मुनिराज को आहार की भिक्षा करने के लिए बिल्कुल शास्त्र में पूरी तरह से अनुमति है कि वे आहार दान लेवे, आहार दान के अलावा और कुछ लेने की अनुमति नहीं। आहार और औषध, ये दो प्रकार का आहार तो उनके लिए, ये दो चीज तो उनको मैंने अन्य से इन दो के लिए तो शावकों के ऊपर अवलंबित थी, और ये दो तो बराबर विधि है, शास्त्र में विधि है कि गृहस्थ शावक को अपने बनाए हुए भोजन में से प्रतिदिन उनमें से विभाग करके पहले मुनिराज की बाट जो के उनको आहार देनी चाहिए, ये उसका कर्तव्य आहार दान क्या। और औषध यदि कभी रोग है, अभी आगे आएगा इसमें औषध का, यदि कदाचित वो रोग आदि से पीड़ित है तो उनके लिए औषध का दान। तो ये दो चीज तो अपनी जिम्मेदारी है, मतलब अपनी ड्यूटी है, बाकी इन दो के अलावा तीसरी अपनी कोई काम, क्योंकि फिर तो वो कोई फिर वो याचना में आया ना, फिर तो ये चीज तो आपके शरीर के लिए जरूरी है। आपको आहार नहीं देंगे तो एक दिन शरीर नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा तो ज्ञानाभ्यास नहीं होगा, संयम का पालन नहीं होगा, सब दिक्कत होगी। लेकिन बाकी चीज से आप ये विचार करो कि इसके बिना जीवन चल सकता है कि चल सकता है, यदि चल सकता है तो दी नहीं जा सकता, आहार के बिना चल नहीं सकता, औषध के बिना चल नहीं सकता। तो जिससे चल नहीं सकता है वो मस्त हो गई, नेसेसिटी है, बाकी चीजें नेसेसिटी, बाकी नेसेसिटी क्या, बल्कि बाकी चीजें ले ही नहीं सकते, नेसेसिटी तो दूर की बात रही। आपको केवल ये दो चीज लेने के लिए शास्त्र में कहा है। अब यदि आप दूसरे के ऊपर अवलंबित हो तो बस इन्हीं चीजों के ऊपर अवलंबित हो सकते हो, क्यों, क्योंकि वो आपको जो धर्म श्रद्धा भक्ति से दे रहा है तो वो ये चीज दे सकता है। धर्म के नाम पे आप ये चीज तो ले सकते हो, इन चीजों को लेने के लिए तो शास्त्र ने भी कही है, लेकिन आप धर्म के नाम पे और कुछ चीज नहीं मांग सकते। नहीं, इसका तो देखो सबसे बड़ा ये कि स्वयं शुद्ध आहार करें, वास्तव में तो विधि यही है
कि हर व्यक्ति को आहार शुद्धि करना चाहिए रोज, तरीका तो यही है उसका, सही उपाय। और शुद्ध आहार करने में कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है, लोग लाखों करोड़ों रुपए दान देते हैं आजकल, देते ना, हर आदमी से आप 10,000 रुपये निकलवा सकते हो। तो भाई तू 10,000-20,000 रुपये महीने निकालता है तो एक बाई रख ले 2,000 रुपये की, साल भर की बाई होगी। ऐसी कितनी है जैनी, इनको काम चाहिए, आते हैं गांव से कितने लोग आते हैं, तो उनको अच्छी आजीविका से लगा अपने ऊपर दान करें, खुद का खुद को शुद्ध भोजन का दान दे। इतना कंजूस बनने से क्या होगा, बहुत अवक्ष खाने से बचेंगे ना, अपनी जो अपने मतलब अपने को बराबर सब मर्यादा की चीज मिल जाएगी, घर की चीज मिलेगी, फायदे फायदे का, और स्त्री को भी थोड़ा धर्म ध्यान करने का अवसर मिलेगा, वो भी थोड़ी स्वाध्याय करेगी, सब अच्छी चीज है। चूल्हा के अलग को भी होता है, तीन तरह के पात्र कहेंगे, पात्र तीन प्रकार के होता है, उत्तम पात्र निराग, मध्यम पात्र श्रावक, जघन्य पात्र आवृत्ति सम्यक दृष्टि, तीन तरह के आएंगे। अवृत सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, कुदेव कुगुरु को धर्म की आराधना कर रहा है नहीं, एकदम आउट, गेट आउट, क्यों, क्योंकि वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, जो ग्रहित मिथ्या थे उसके तो अग्रहित तो है ही कौन, तो कोई दान थोड़ी नहीं है वो, वो तो उनके तुम खा के आते हो तो उनको तुमको खिलाना पड़ता है, वो क्या का दान है, दान तो धर्म के क्षेत्र में होता है, ये कोई दान वान नहीं है, ये मेहमान वेहमान को खिलाना, शादी ब्याह में जो अपन जिमाते हैं ये कोई दान है, ये सब खाए हुए का खिलाना है, इतने के जिम के आ गए तो इतने नट्टे तो है नहीं, खुद के हमारे खिलाए नहीं, और कोई ऐसा करने भी लग जाए तो लोग बोल भी देंगे इसको कि महा आदमी पापी आदमी है, कुछ भी शर्म नहीं है। तो वो तो एक्चुअल में लेन देन है, क्या लेन देन मतलब, भैया अपन ने 10 का खाया है 10 को खिलाना पड़ेगा, किस्तों के कार्ड में आए तब जाना पड़ेगा, वो उसके लिए सब है, यहाँ पे दीन दुखी लोग है ना उनके लिए है वो दया दान, मतलब उसको भोजन दिया जा सकता, बाकी नहीं, बाकी पैसा नहीं दिया जा सकता, पैसे से तो दारू भी पी सकता है, भूखे को भोजन कराया जा सकता है, वो धर्म दान नहीं है, वो दीन दुखी भुगतित लोगों को करुणा दान है, सब तरह के दान, सम दान भी है, पात दत्ती है, सम दत्ती है, करुणा दत्ती है, सब तरह का, लेकिन वो जो दान है वो तो उत्तम पात्र जो मुद्रा रत्न तरह के धारी होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में दान धर्मात्मा को ही होता है, जो जिसमें धर्म का अंश नहीं है वो उसको जो दिया गया है वो धर्म दान नहीं है, वो लौकिक जो भी करुणा बुद्धि से दिया है, मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं आता, और हम उसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उनको आहार नहीं दे रहे हैं, वास्तव में उनको मोक्ष मार्ग दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे उनका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न रूप से चलता है, इसलिए उनको आहार तो दे रहे हैं, असंयम की चीज तो दे नहीं रहे, हाँ यदि उनको असंयम की चीज देने लग जाए कुछ भी जो भी है वो आप तो वो जरूर उनके लिए दान नहीं है, वो कुदान है, लेकिन हम ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे उनके रत्न त्रय की वृद्धि होगी, मोक्ष मार्ग में निर्विघ्न चलेंगे और अनेक भव्य जीवों का उपकार होगा, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, सर्वोत्कृष्ट, और वो तो देना ही चाहिए ना, वो तो योग्य है, तो जो चीज अयोग्य है सब आएगा आएगा, इसमें क्या क्या अयोग्य है, धन आदि तो बहुत सबसे बड़ी बीमारी धन की है, धन तो किसी के लिए भी नहीं लिखा कहीं भी, धन वाले का चक्कर ही नहीं, पैसा हमें वो तो न देने योग्य वस्तु होती है न उसको लेने वाला पात्र है, पैसे का भी काम आहार का काम, आहार के लिए जीवन यात्रा के लिए हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम मांग सकते हैं, और हम उसके अलावा और कुछ मांगेंगे तो हम याचना का दोष लगेगा, और हमको अधिकार क्या है, हम हमारे पास क्या अधिकार है, जैसे किसी भी व्यक्ति के पास में अधिकार क्या कि वो मांगे, कोई किसी का अपन ने किराए से अपन उनके पुत्र हो, जैसे पीछे पढ़ा था ना अपन, अपन यदि किसी से बड़े हुए हो, अपनी कोई देनदारी हो तो अपन मांगे, अपन ने धर्म धारण किया इसलिए मांगे, धर्म धारण किया तुम यही मांग सकते हो जो धर्म की वस्तु है, धर्म के अलावा अन्य वस्तु नहीं मांग सकते। देखो क्या है, देह से रत्नत्रय धर्म पलता है कि आहार से देह रहती है, देह से रत्नत्रय धर्म पलता है, रत्नत्रय धर्म से निर्वाण होता है, निर्वाण में अनंत सुख है, त्यागी निर्वांचक साधुओं का उपकार तो एक आहार दान सी है, उनका अपन कुछ कर भी नहीं सकते, अपन उनको क्या दे सकते हैं, आहार दे सकते हैं, वे तो आहार के सिवाय अन्य कुछ तुष्मात्र भी अंगीकार नहीं करते हैं, आहार के बिना शरीर नहीं लेता, अनेक रोग हो जाते हैं, इसलिए
आहार बिना ज्ञानाभ्यास नहीं होता, व्रत संयम तप एक भी नहीं पलते, आहार बिना सामायिक प्रतिक्रमण काय उत्सर्ग ध्यान एक भी नहीं होता, आहार बिना परमात्म का उपदेश नहीं होता, आहार बिना उपदेश ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। मतलब कितने दिन चलेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन, आखिर भूख से त्रस्त होके धर्म ज्ञान से च्युत हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। आहार बिना कांति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, कीर्ति शांति शांति नीति प्रीति प्रतीति गति रति उक्ति शक्ति द्युति आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं, बहुत घातक है। आहार बिना संभाव इंद्रिय दमन जीव दया मुनि श्रावक के धर्म विनय में प्रवृत्ति न्याय में प्रवृत्ति तप में प्रवृत्ति यश में प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक बार आहार नहीं मिला तो सारा उपयोग ही भ्रष्ट है, भूख से क्या करें, आदमी चाहे सब छोड़ने को तैयार हो जाता है, पेट की भूख जो है वो सताती है तो जीव दया का परिणाम निकल जाता है, न्याय से अन्याय में प्रवृत्ति होने लगती, तप में प्रवृत्ति मिट जाती है, यश मतलब सब नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य संभाव इंद्रिय दमन ये सब नष्ट, पेट जटरा भी होती है ना, आहार बिना वचन की प्रवीणता नष्ट हो जाती है, मैंने उसमें दीनता आ जाती है, शरीर का वर्ण बिगड़ जाता है, शरीर में मुख में दुर्गंधता हो जाती है, शरीर जीर्ण हो जाता है, सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती, आहार नहीं मिले तो अपने प्यारे पुत्र पुत्री स्त्री को भेज देता है, भूख बहुत बड़ा रोग। आहार बिना नेत्रों से देखने को समर्थ नहीं हो पाता, आंख में तकलीफ, कानों से सुनने को, नासिका से गंध ग्रहण करने, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने को समर्थ नहीं हो पाता, आहार बिना समस्त चेष्टा रहित मृतक समान हो जाता है, आहार बिना मरण हो जाता है, आहार बिना चिंता शोक भय क्लेश और संताप प्रकट हो जाते हैं, आहार बिना दीनता हो जाती है, संसार दीन दीन हो जाता है एकदम, सम्मानने के लिए संसारी लोग अपमान करते हैं, ऐसे घोर दुख दुर्ध्यान को दूर करने वाला जिसने आहार दान दिया उसने समस्त व्रत संयम में प्रवृत्ति कराई, समस्त रोग आदि दूर की, अतः आहार दान समान कोई उपकार नहीं। अब दूसरा देखो समझ में, ये मतलब गृहस्थ के लिए आहार दान है, ये मुझे आज के लिए नहीं कहा, अपना लक्ष्मण शाव का चार चल रहा है, आहार और औषध दान तो अपने लिए है। औषधि दान देखो, रोग का नाश करने वाली प्राशुक औषधि का दान श्रेष्ठ है, रोग से व्रत संयम बिगड़ जाता है, स्वाध्याय ध्यान आदि सभी धर्म कार्यों का लोप हो जाता है, रोगी की सामायिक आदि आवश्यक नहीं बन पाते हैं, रोग से निरंतर आठ ध्यान होता है, मरण बिगड़ जाता है, रोगी को दिन प्रतिदिन संकेत बढ़ता है, रोगी अवघात करना चाहता है, पराधीन हो जाता है, मन इंद्रिया चलायमान हो जाते हैं, उठना बैठना सोना चलना बहुत कठिन हो जाता है, श्वास के साथ कष्ट बढ़ता जाता है, क्षण भर को चैन नहीं पड़ती। अब बहुत क्या कहें, मतलब रोग अपन जब होता है तो अपन सही में जानते हैं अपनी क्या स्थिति होती है, रोगी को खाना पीना बोलना चलना लेना देना सोना उठना बैठना सभी कार्य जहर पीने के समान कष्ट देने वाले हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अतः प्राशुक औषधि दान देकर, कौन सी औषधि, प्राशु नहीं तो मेडिकल स्टोर खोल दे जिसमें जीव की हिंसा हो रही है, अंग्रेजी दवाई नहीं प्राशु आयुर्वेदिक, और आयुर्वेदिक में भी आसव आसव वाली नहीं, बिल्कुल जो निर्दोष हो, शहद वहद से युक्त नहीं, निर्दोष प्राशुक औषधि जिसमें जीव हिंसा नहीं हो, क्या तो निर्दोष प्राशुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है, रोग मिटने पर ही आहार आदि किया जा सकता है, रोग रहित होने पर ही व्रत तप संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सर्ग आदि सभी किया जा सकता है। जब रोग हो जाता है तो आदमी बिस्तर पड़ जाता है, उसे कुछ मन ही नहीं लगता उसे किसी कार्य, इसलिए रोगी को औषधि दान देना भी बहुत बड़ा उपकार। तीसरा है ज्ञान दान, ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं, ज्ञान बिना मनुष्य मनुष्य जन्म में भी पशु के समान, ज्ञान के बिना मनुष्य ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान, कहते ना बिना ज्ञान के मनुष्य किसके समान है, पशु के समान,
ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता, आपा पर का विज्ञान नहीं होता, मैं कौन हूँ, पर कौन है, देव और आत्मा की भिन्नता भाषी नहीं होती। ज्ञान बिना इस लोक परलोक का जानना कैसे, परलोक क्या होता है, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, इसका जानना हो सकता है? बिना पढ़े, किसी बच्चे ने पढ़े ही नहीं पाठशाला, उसको चार व्यक्ति के ज्ञान हो सकता है? परलोक का, मोक्ष का कोई बचपन से लेके आए क्या? मतलब अधिकांश स्थिति है कि पाठशाला पाठशाला की पढ़ाई तो किसी की रहती नहीं, लगभग पाठशाला में कौन गए होंगे, बिल्ली गए होंगे यहाँ बैठे वालों से, और वो बस बड़े होते हैं फिर जो देखा देखी जो सब लोग करते रहते हैं ऐसा करते हैं, तो उनको कुछ खबर ही नहीं होती उनसे, ये पूछो कि गति कितनी है पता ही नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, तो ये धर्म के हिसाब से करना चाहिए इसलिए कर लो, क्योंकि कोई ज्ञान देने वाला होता है, कोई देने वाला ही मिला तो उन्होंने लिया नहीं, माँ बाप ने स्कूल की पढ़ाई के चक्कर में उनको दी नहीं शिक्षा उन्हें चाहती, तो उनको पता ही नहीं कुछ, बस फिर बड़े होकर जैसे उनकी बुद्धि में चलता है जैसा जो कुछ धर्म मिला वो अपने हिसाब से बुद्धि अनुसार कर लेते हैं, क्योंकि उसका कारण ये कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। इस लोक परलोक का ज्ञान कैसे हो? ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप क्या, धर्म है पाप क्या है, करने योग्य क्या है नहीं करने योग्य क्या है, इनका विचार नहीं होता है। भाई आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं तो साहब मैं तो करूँगा करने से होगा, लेकिन करने योग्य क्या है ये नहीं पता है, क्या करोगे? मैं छोड़ दूंगा चीज़ें, छोड़ नहीं तो है लेकिन छोड़ने योग्य क्या है, तो पहले क्या छोड़ी जाती है बाद में क्या छोड़ जाती है, छोड़ने से क्या लाभ मिलेगा, क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा, मतलब इन सब बातों का बिना ज्ञान के तेरे जवाब कैसे मिलेगा। और कोई भी आदमी वो कोई आदमी यदि उसने शिक्षा नहीं ली उस बात की तो उसको शिक्षा आएगी कहाँ से, शिक्षा तो शिक्षा से आएगी ना, मैं 10 उपास कर लूँ तो उससे मेरे को चार गति का ज्ञान हो जाएगा, ये चार गतियाँ कौन सी होती है, 6 धर्म कौन से होते हैं, 7 तत्व कौन से होते हैं, 85 का क्या है, वो तो मैं पढ़ूंगा स्वाध्याय करूंगा तुम लोग, जिसका उपाय तो जो ही है। मैंने यदि इसको इस लोक का जानना है, परलोक का जानना है, सभी चीज़ों का जानना है, मतलब 12 व्रतों का जानना है, तपश्रण का जानना है, दान का जानना है, गृहस्थ के 6 आवश्यक जानने हैं, कर्म जानना है, 7 तत्व जानना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए जानना है, मोक्ष मार्ग जानना है, 28 मूल गुण जानना है, अनंत के मूल गुण जानना है, सबको जानना है तो जाना है कैसे, सिद्धों का सुख जानना है, संसार में दुख जानना है कैसे जानना ज्ञान से, ये भाषित होगा नहीं तो कि सिद्धों में सुख है, धर्म क्यों करना है, क्या आवश्यकता है जीवन में, धर्म की आवश्यकता क्या है, ये सबका ज्ञान बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार ही नहीं होता है, जानकारी तो बहुत दूर की बात है। और कोई बचपन से ले, मैं तो पंचम काल में जो भी उत्पन्न हुआ है वो कोई सिखा सिखाया तो आया ही नहीं है, उसको तो एक एक चीज सिखाने की जरूरत है, उसको पहले अपन सिखाएं उसको कि सही चीज क्या है, वो सीखेगा तो अपने आप उस चीज की अच्छी कार्य में प्रवृत्ति की बिना रहेगा, उसको अपन ज्ञान देंगे, गुण दोष का ज्ञान होगा आदमी को तो अपने आप दोष छोड़ने के लिए उन्मुख होगा, गुणों को ग्रहण करने के लिए उन्मुख होगा। बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने गुणों को बिना दोषों को जाने कैसे दोषों का त्याग करेगा और कैसे गुणों को ग्रहण करेगा, ज्ञान बिना देव कुदेव का क्या कह रहे हैं, ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु को गुरु का, धर्म को धर्म का जानना नहीं होता है, कुछ नहीं जानना होता है। ये तो कहता है सब धर्म समान है, लोग मुसलमानों को भी रोजे देते चलो क्या करना, उनकी फोटो भी लग जाते अच्छे बढ़िया, त्रिशला माता बन जाती है अच्छे से। तो इसलिए जो है कि कितनी महान मतलब तीर्थंकर की माँ और ऐसे महा जिन जो जीव कितनी महान हिंसा करे बोलो, तो ये है कि नहीं, ये सब क्या है चक्कर, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है गुरु क्या है, गुरु क्या है, धर्म क्या है, कुधर्म क्या है। मैंने जो लोग जो किसी प्रकार से जो चर्चा के लायक नहीं थे, जिनकी संगति योग्य नहीं है, उनको हम वो करा रहे हैं, धर्म का अच्छा बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
ये इनका इसका मतलब इसकी जानकारी नहीं होगी कि इनकी देव को देव की, धर्म को धर्म की और गुरु 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 को गुरु, इनका जानना नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। मोक्ष का मार्ग क्या है, ज्ञान के बिना कैसे? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। ज्ञान से वो उस ज्ञान होएगा तो मोक्ष का मार्ग क्या है? ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक चाहिए। तो ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। न मोक्ष का मार्ग है, न मोक्ष है, रास्ता है, न रास्ते के अलावा न गंतव्य है। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता है। अपने में और पशु में अंतर क्या है? अपने को संस्कार मिलते हैं, जानकारी मिलती है, विवेक करने की बुद्धि मिलती है, हिता हित का विवेक करना सीखते हैं, योग्य योग्य का विचार करना सीखते हैं। यही तो अंतर है अपने में और पशु में। क्या तत्व को तत्व, सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, मेरा हित किसमें, अहित किसमें। इंद्रियों का पोषना, काम सेवन करना तो त्रियंचों के भी होता है। अपन ने भी खाने पी के पांच इंद्रिय के विषय वो भोग लिए है, तो त्रियंचों के भी होता है। मनुष्य जन्म तो ज्ञान से ही पूज्य है। जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दिया। परोपकार तो ज्ञान दान ही है, ठीक है। अब आगे देखो, वस्ति का दान तीसरा हो गया, ज्ञान दान भी हो गया तीसरा। चौथा कौन सा होता है? वस्ति का दान, आवास दान। इसका उदाहरण आवास दान, अभी कैसी होती है वस्ति का दान अर्थात स्थान दान। शीत उष्ण वर्षा हवा आदि की बाधा से रहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान का दान श्रेष्ठ। स्थान देना श्रेष्ठ, यहाँ ऐसा विशेष जानना। उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। जैसे जगत पत्थरों से बहुत भरा है परंतु चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है, वैसे ही वीतरागी साधु का मिलना दुर्लभ है। फिर आहार दान होना अति दुर्लभ है, पहले तो उनका मिलना दुर्लभ है, फिर आहार दान होना दुर्लभ है। आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो, क्योंकि उनको उसका निमित्त का दोष लगेगा। साधु 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐष्णा दोष, इस प्रकार 42 दोष। देखो आ गए यहाँ पे कितने का है, 16 तो उद्गम दोष होते हैं, उद्गम भोजन की उद्गम से होते हैं, पत्ती से भोजन बनाने में लगते हैं पत्ती। 16 उत्पादन दोष, ये भोजन का उत्पादन आदि करते ना, उसमें उद्गम दोष है। मैंने 16 नाम दिए मूलाचार आदि ग्रंथों में, इसमें नहीं दिए। 16 उद्गम दोष है, 16 उत्पादन के दोष है, 10 ऐष्णा दोष है, कितने हो गए 42 और 4 हो रहे प्रमाण संयोजन धूम्र और अंधार, इसे कुल 46 दोष और 32 अंतराय होते हैं, 32 और 14 मल। ये दोष टालकर एक बार भोजन करते हैं, कितने दोष हुए 46 तो दोष, 32 अंतराय और 14 मल, कुल कितने हो गए 92 चीज टाल के आ रहे थे। 32 और 14 46 और 46 और 46 92 46 दोष, 32 अंतराय और 14 मल। और दोष डालकर एक बार भोजन करते हैं, उसमें भी आधा पेट भोजन से भरते हैं और चौथाई पेट जल से भरते हैं और शेष चौथाई भाग खाली रखते हैं, ऐसा ऐसा आहार करते हैं। आधा भरते हैं, एक चौथाई जल से और एक चौथाई खाली, ऐसा आहार भी कभी एक उपवास की पारणा में, कभी दो उपवास की पारणा में, कभी तीन उपवास की पारणा में, कभी 15 दिन के पक्ष उपवास की पारणा में, कभी एक महीने के मास की उपवास की पारणा में, अयाचिक वृत्ति से बिना याचना किए नवदा भक्ति द्वारा दिया हुआ भोजन किसी बहुत पुण्यवान के घर होता है। अभी कहाँ ले जाना, कहाँ है उनको, वस्ती का दान पे।
तो कहाँ से चालू करी उन्होंने? आर नाम से। क्योंकि मुझे याद है कि आर नाम तो बड़ी मुश्किल से होता है। अयाचिक वृत्ति धारण किए बिना मांगे, भिक्षा मांगते नहीं, भिक्षा दे ही दिगंबर मुनिराज की भिक्षा नहीं मांगते, कहीं बोलते नहीं मौन वृत्ति से। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान देना भी दुर्लभ है, आर दान दुर्लभ है, औषधि दान भी दुर्लभ है। किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त प्रासिक औषधि बनाई हो तथा अचानक मुनिराज का समागम हो जाए तथा शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही रोग को जानकर योग्य औषधि होए तो दे दे, कितना दुर्लभ है। पहले तो अपन ने वो दवाई बनी हो और वो दवाई बनी हो और अचानक मुनिराज का समागम हो जाए, उनकी शरीर की चेष्टा से उनके बिना कहे ये पता चल जाए कि इनको भी ये रोग है और वो रोग के लिए उनको योग्य जानकर उनको औषधि दे। अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ, तो स्वयं नहीं मांग सकते अपने शरीर के लिए, जैसे आहार नहीं मांग सकते ऐसे औषधि भी मांग सकते। शास्त्र दान भी योग की पुस्तक, और शास्त्र दान तीसरा है आहार दान, औषध दान, तीसरा क्या है शास्त्र। शास्त्र दान भी योग की पुस्तक इच्छा होए हो जब तक पढ़ना हो तब तक के लेते हैं, क्योंकि तो दो हाथ ही है ना, तो रखेंगे काने तो क्या, और फिर रखे तो एक एक करके खूब सारी हो जाए, फिर उसको ढो ढो के चलो, तो उसको ढोने के लिए फिर एक आदमी चाहिए, फिर आदमी चाहिए उसकी व्यवस्था चाहिए, फिर गाड़ी भी चाहिए, और वहाँ जिस जगह पहुँचे उस जगह फिर जाने की चिंता भी चाहिए, बैग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारा परिवार के साथ। जो प्राचीन काल में जो मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे ना, दक्षिण में आप देखो, कभी गए हो दक्षिण में, दक्षिण में मिलते हैं कई ग्रंथ, जैसे समंत भद्राचार्य ने रत्नग्रंथ शाल्पाचार्य लिखा, ये काय पे मिलते हैं हम ताड़ पत्रों, जंगल में जो ताड़ के पत्र थे उन ताड़ पत्रों पे लिख के चले, जो गृहस्थ आदि को थे उन्होंने उनको सुरक्षित कर लिया, उसके बाद में उसका विकल्प भी नहीं कि इसका क्या हो रहा है, और भी कॉपी बन जाए सबको मिल जाए, कुछ नहीं। लेकिन तो बाद में लोगों ने जो है उसका आज अपने पास में अपने महापुण्य का उदय कि प्रिंटिंग प्रेस आने से अपने हर स्टेट के पास पास आ गया, ये अपन 100-200 साल पहले हुए होते तो वो एक ग्रंथ मिलना भी दुर्लभ, क्योंकि उसकी पहले लिखाना, उस ग्रंथ को लिखाना और एक आदमी से लिखाना, तो लिखाना मतलब उसको एक साल लग जा रहा था लिखने में लगभग, तो एक साल कोई आदमी को लिखाएंगे तो उसको आजीविका लेनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो आज की तारीख में समझ लो एक आदमी का पूरा खाना पीना पूरी व्यवस्था चलाना, लिखाना कोई लिखना जानता हो उससे अपन लिखाएंगे, पढ़ा लिखा तो होगा थोड़ा, 12वीं क्लास तो पढ़ा लिखा होगा, तो 12वीं क्लास वाले को भी यदि अपन आजीविका देंगे उसका परिवार भी चलाना उसको सब चलाना, कम से कम कितनी होगी 10,000, तो साल भर के लिए लिखेगा कितना हुआ, एक ग्रंथ कितने मिलेगा 1,25,000, 1,20,000 रुपये में एक ग्रंथ पढ़ता, सोचो आप तो भी ये चीज सुरक्षित रहेगी। अभी तो अपने को 20 रुपये में देते हैं तो उसमें भी लोग कहते डिस्काउंट चाहिए, फ्री में ही देते नहीं, मेरे फ्री में पढ़ने में तैयार नहीं है, वैल्यू नहीं ना अपने, तो इसलिए वो तो ज्ञान दान भी योग की पुस्तक इच्छा होए जब तक पढ़ना हो तब तक ले लेते हैं, पश्चात पढ़कर वन में रख देते हैं, जंगल में वन के चित्त्यालय में रखकर काम लेते फिरेंगे, उसको ले लेंगे काम करेंगे। दूसरी बात, वो जो पढ़ने का काम था वो तो हो चुका ना पहले ही, मुनि बने वो मुनि बनने के पहले ही शास्त्र स्वाध्याय जो भी था योग सब उन्होंने पढ़ ही लिया, तो इसलिए वो उनको उसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं मिलेगा तो अपनी आराधना कर सकते। मुनीश्वरों को वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ है, वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ, क्यों? दिगंबर मुनि एक स्थान में रहते नहीं, वे तो कभी तो वे पर्वतों की गुफा में, कभी भयंकर वन में, कभी नदियों के पुलों में ध्यान अध्ययन करते रहते हैं, कभी कोई ग्राम के बाहर की वस्तिका में, कभी कोई गांव के बाहर की वस्तिका बनी उसमें 1 दिन, नगर के बाहर की वस्तिका में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 4 महीना एक ही स्थान में रहते हैं, तथा कभी किसी साधु के समाधि वर्ण का प्रसंग आ जाए तो माँ 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं, अन्यथा तो यह है स्थिति, नगर के बाहर की वस्तिका में 5 दिन, गाँव में
गांव की बाहर की वस्तिका में एक दिन, वर्षा ऋतु में चार दिन, किसी साधु के समाधि ग्रहण का प्रसंग आ जाए तो महीने दो महीने के स्थान पर जाए तो रह सकते हैं। शादी समाधि ग्रहण के अलावा अन्य किसी प्रसंग पे समाधि मरण हो अथवा वर्षा ऋतु, ये दो अवसर छोड़ो, वर्षा ऋतु पे चार महीने रहेंगे, समाधि मरण पे महीने दो महीने रह सकते हैं। इन दो प्रसंगों के अलावा किसी एक स्थान पर, यदि वो नगर हो तो पांच दिन के लिए, गांव हो तो एक, उससे अधिक नहीं रह सकते। थोड़ा सा आसपास जगह जगह मिलती है ना, गांव में जगह नहीं मिलती है। जैसे नगर के इधर से उधर भी आ गए, नगर क्रॉस करते भी पांच दिन लग जाते, परिक्रमा करें उसकी बाहर बाहर भी जाए तो टाइम लगता है उसमें। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहता, माने वर्षा ऋतु और समाधि मरण के अलावा जैन दिगंबर साधु एक स्थान पे पांच दिन से अधिक नहीं रह सकता। कभी कोई एक रात्रि दो रात्रि भी निर्दोष पार्श्व अस्थिका में रह जाता है, एक रात्रि दो रात्रि हो निर्दोष पार्श्व अस्थिका में रहेगा। अब अस्थिका कैसी होनी चाहिए, अस्थिका सबसे पहला उसका पॉइंट, साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई, क्या बोल अब आजकल क्या होता है देखो, अपन लोग पढ़ते ही नहीं, अपन आजकल के चक्कर में जाते ही, अपन तो इसलिए सांस पढ़ते हैं अच्छे से शांति से बैठ के क्या क्योंकि क्या है वो आजकल की तो व्यवस्था आप पूछोगे तो कोई अंत ही नहीं उसका, कि मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, अपन आजकल की व्यवस्था पढ़ो तो किताब बंद करो। ये तो क्या है, ये देखो सदाशिव दास जी हुए ना, कि आजकल के नहीं हुए, ये सदाशिव दास जी का असली वाल हुआ आज से 250-300 साल पहले, समंत भद्र स्वामी हुए आज से लगभग 2000 साल पहले, और ये जो इन्होंने लिखा है मूलाचार के आधार से लिखा है, मूलाचार वट्टकेर स्वामी का है, वट्टकेर स्वामी का मूलाचार है लगभग 1800 साल पहले का है, कई लोग उसको कुंदाचार्य का भी कहते हैं, दो मत है उसका, ये सब लिखी उसकी सारी बातें कैसी होनी चाहिए, उसमें सब बातें हैं, मूल गुणों का वर्णन, 28 मूल गुणों का, मुनिराजों का आहार के विहार कैसा होता है, वस्तिका कैसी होती है, इन सब बातों का इसकी ताकत जो अपनी तरफ से लिखी। और फिर दूसरी बात करो तो घर देखो आपको कितने घर चाहिए, एक घर है, और यदि मुनिराज के निमित्त से अपन ने बनाया तो कितने चाहिए, हैं ते तो और उल्टा काम हुआ, एक छोड़ के 50 बन गए, समझ में आई ना, इसलिए वो उनके निमित्त से नहीं बनाया जा सकता। अपने पास में कोई जगह और रहने की दो ना, यदि आपको है तो आपका दिल इतना बड़ा करो, आपका कोई मकान हो कुछ हो, कोई गृहस्थ इतने वो इतने पापी हो गए कि वो उसके लिए भी उनको चंदा करना पड़े। हमारा मकान कई बार मकान होता भी आदमियों के पास, जैसे किसी के पास है जगह इतना, 1000 घरों का परिवार, 400 घर है, 400 घर में क्या एक घर भी नहीं मिल सकता, मतलब बना बनाया खरीद सकते, बना बनाया खरीदा हुआ हो उसमें दिक्कत है, खरीद सकते मतलब साधु के निमित्त से नहीं, अपना खुद का जैसे रहने की जगह में जाने वाले हों, जाने वाले हों रह जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले से नहीं आया हो, पहले से नहीं आया हो अथवा वो आने के अलावा छोड़ दिया हो, निर्जन हो, प्रासुक हो, कई बार ऐसे होते हैं किसी किसी के मकान खाली पड़े रहते हैं, इसमें है ना सब, देखो साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई ये लिखा पहला, तो दूसरा उनके निमित्त बुहारी नहीं बनाने की बात दूर है, बुहारी नहीं हो, मुनिराज के आ जाने के बाद धोना नहीं चाहिए, उनके निमित्त से धो भी नहीं सकता, धोने का दोष उनको लग जाएगा। उजाल दान खोलना, मेरे कितनी बारीक बारीक बात लिखी है, तो उजाल दान खोलना नहीं, खिड़की बंद हो तो खोले नहीं, बंद हो तो बंद ही रहेगी खुलेगी नहीं, किराए पे लेना नहीं, बदले में अपनी वस्ती का देकर दूसरों को लेना नहीं, मांग कर लेना नहीं, राजा का भय दिखाकर लेना नहीं, इत्यादि 46 दोष रहित वस्ती का होनी चाहिए। 46 अभी तो 2-4 ही गिना है उन्होंने दोष, 46 दोष है, 3-4 का वर्णन किया उन्होंने, 46
जो दोष है ना वो सब है उसके अंदर, अपने निमित्त से हो, अपने लिए हो, अपने मतलब सीधी सी बात देखो एक प्रैक्टिकल चीज ये है, वो हिंसा के त्यागी है तो उनके निमित्त से वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते आप, मतलब बिल्कुल वो क्लीन कट इतना हिसाब है कि भाई हमने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया, तो हमारे निमित्त से हिंसा नहीं हो सकती, यदि हमारे निमित्त से हिंसा हो रही होगी तो वह हिंसा महाव्रत में हमारे दूषण लगे, तो आपने यदि हमारे निमित्त से बनवाई हो तो हमारे को दोष लगे, आपने हमारे निमित्त से साफ सफाई करी हमको दोष लगे, मतलब वो हिंसा हुई वो किसके लिए हुई, हमारे लिए हुई ना, तो हिंसा हुई कि नहीं हमारे लिए, हमारे लिए हिंसा हुई तो अहिंसा व्रत नहीं बोला, सीधी सीधी बात यह है। जीर्ण वन में हो कैसी होनी चाहिए देखो, जीर्ण वन में हो, जीर्ण जीर्ण पुराना वन हो, उजड़ गांव का मकान हो, उजड़ा हुआ ग्राम हो, गांव का मकान हो, जहाँ असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो, स्त्री नपुंसक तिर्यंचों का आना जाना नहीं हो, जीव विराधना रहित हो, जीवों की विराधना नहीं हो, अंधेरा नहीं हो, थोड़ा प्रकाश आता नहीं सूर्य का, वहां साधु जन एक रात्रि दो रात्रि कभी बस जाते हैं, जो अनेक देशों में विहार करते हैं उनको वस्तिका का दान देना बहुत दुर्लभ है, अतः उत्तम पात्र को दान हो जाना अति दुर्लभ है। ठीक है, अब बाकी कल पड़ेगा, समय का ध्यान।